बीते दिन बरनाला दे विच गैंगस्टर काला धनौला का एनकाउंटर कर दिता गया। पुलिस ने जानकारी देंदे हुए दस्सिया कि काला धनौला ते 60 तो उपर मामले दर्ज सन। इस एनकाउंटर बारे पुलिस ने की जानकारी सांझी की, सुनो इस वीडियो दे विच। जी अज शाम नू एक ए कैटेगरी गैंगस्टर जो बरनाला दे विच धनौले थाने दा रहण वाला हैगा, गुरमीत सिंह काला धनौला, जो कि रीसेंटली साडे एक 2 नंबर FIR जो धनौले थाने दे विच हुई सीगी, जिसमें भगोड़ा था, जिसमें इन्हें एक जानलेवा हमला सुरेंद्र पाल उर्फ पाला से किया सीगा। उदी भाल दे तहत AGTF दी टीम ते बरनाला पुलिस दी टीम इन्होंने नाकाबंदी की हुई सी। AGTF दी टीम इत्थे आई सी, उन्हां कोल टेक्निकल ते ह्यूमन इंट सीगा कि इस एरिया दे विच घूम रहा है। जदों असी उस इनपुट ते काम करदे हुए साडी टीम AGTF दी इत्थे पहुंची, उन्होंने इन्हों का घेरा पाया ते इन्हों सरेंडर करन वास्ते किया। इन्होंने अनप्रोवोकेटिव फायरिंग शुरू करती, फायरिंग करके उत्थों भजना शुरू करता ते रिटेलिएटरी फायर दे विच जदों अपने AGTF दी टीम ने भी फायर किया, उहदे विच गुरमीत सिंह काला धनौला नूं फायर आर्म इंजरीज आई एंड ही सकम टू दी इंजरीज। एंड नाल दी नाल जिहड़ी जो गैंगस्टर वालों और उहदे टीममेट्स वालों फायरिंग हुई सीगी, उहदे विच साडे 2 मैंबरस जो कि इंस्पैक्टर पुष्पिंदर सिंह और सब इंस्पैक्टर जसप्रीत, उन्हां नूं भी फायर आर्म इंजरीज आई ने। इन सारे नूं असीं हॉस्पिटल शिफ्ट करता है। इत्थों सानूं 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन स्मॉल आर्म्स ते कई मैगजीन्स ते लाइव राउंड्स बरामद हुए ने। एक होर एक गड्डी जो सिल्वर कलर दी हैगी ओह भी बरामद हुई। नहीं, अभी इंजरी सारे असि चेक कराएंगे, मेडिकल होएगा। काले दी डेथ हो गई है जी? हाँ जी, ही सकम टू दी इंजरी। सर इस गैंगस्टर दी गल करते हो तो किस तरीके दे जेले मामले होर भी दर्ज सीगे जी? ओदे ते वो ए कैटेगरी गैंगस्टर जिद्दां मैं तुहानू दस्या, ओदे ते 67 FIRs दर्ज है। 302 दे एक मुकदमे दे विच वो कन्विक्टेड हैगा, हुण बेल ते चल रहा है। हुण भी जिद्दां ये रीसेंटली एक महीने पहला ही उसने 307 दा एक होर उहदे ते मुकदमा दर्ज होया, जिहदे विच उहने जानलेवा हमला अपने साथियां नाल बहरहमी नाल कुटमार कीती सी ते फायर इंजरीज कीती सी। कोई पुलिस मुलाजम भी जख्मी होया जी? हाँ जी, 2 जिद्दां मैं दस्या AGTF ते साडे 2 मुलाजम इंस्पैक्टर पुष्पिंदर ते सब इंस्पैक्टर जसप्रीत, उन्हां नूं भी इंजरीज आई है। दे हैव बीन टेकन टू दी हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। सर जिस तरह भीड़ ने गड्डियां घेरन दी भी कोशिश कीती जदों लैके जा रहे सी, ते उस मामले दी की कहना चाहुंदे हो? कहिंदे नजायज़ धक्का होया। ओह पिंड दे लोकां दा कहना कि इक कोई मुंडा गा कि उहनूं नजायज़ खेत आ जिहदा खेत उहदा विरोध कर रहे। नहीं जी, ये सारी इन्वेस्टिगेशन जिद्दां तुसीं देख रहे हो मौके ते तुसीं हैगे हो, असीं जो होया इत्थे लाइव एनकाउंटर होया ते जो राउंड अप होया उन्होंने फायरिंग की है, अभी पर्चा दर्ज होगा, इन्वेस्टिगेशन दे विच सारा कुछ क्लियर। इन्हां नूं सिविल हस्पताल भी जाएंगे? हाँ जी। पिछोकड़ भी दस्या हैगा, इसने इधर एरिया काफी दहशत फैलाई हुई सी। 302 दे केस दे विच इह कन्विक्ट हैगा, इहदे बड़े केसिस इत्थे ट्रायल चल रहे ने, बड़े च इह कन्विक्ट हैगा, बड़े इहदे अंडर तफ्तीश हैगे सी। लेटेस्ट जिहड़ा 307 बारे दसी है गल, उहदे विच इह लुड़िंदा सीगा, फरार चले आ रहा सीगा, ते जिहड़ी कड़ियां नूं जोड़दे होए सानूं पता लग्गा कि इस एरिया दे विच इह लुकिया होया हैगा। जदों इस नूं ट्रैप कीता गया हैगा, इसने अनप्रोवोक्ड जिहड़ी हैगी फायरिंग कीती हैगी है, जिस दे विच इंस्पैक्टर AGTF दे इंस्पैक्टर पुष्पिंदर ते सब इंस्पैक्टर जसप्रीत नूं फायर आर्म इंजरीज आईयां हन, जिन्हां नूं असीं अपना हॉस्पिटल दे विच शिफ्ट कीता हैगा। इस नूं जदों घेरा पाया गया, इस नूं जाब्ते अनुसार इस नूं सरेंडर करन लई ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਕਾਰਟਰਿਜਸ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਹੀਕਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੋ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੀ ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਵਾਈਵਡ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀ ਗੈਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸ ਆਈ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ।